असल क्लास आज आप ट्वेंटी नाइन अप्रैल की डायरी को डिस्कस करेंगे टुडे आवर टॉपिक इज सेफ्टी इन साइंस वई नीड टू बी केयरफुल वैन डूइंग साइंस एक्टिविटीज़ जब हम साइंस की एक्टिविटीज़ को करें तो हमें उसके लिए एहतियात की ज़रूरत होती है देयर आर समिप्स गिवन बिलो फ लिसन टू योर टीचर्स इंस्ट्रक्शन केयरफुली आपकी टीचर जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हैं उस टाइम पे उसको ध्यान से सुने रीड ईच एक्टिविटी केयरफुली हर एक्टिविटी को गौर से पढ़ें नेवर टेस्ट और स्मेल मटीरियल अनलेस योर टीचर टेल्स यू टू डू किसी भी मटीरियल को स्मेल या टेस्ट ना करें जब तक आपकी टीचर आपको नहीं कहेंगी हैंडल सीज़र एंड अदर शार्प थ केयरफुली सीज़र हैंडल स्प्रिट लैम्प इन चीज़ों को ध्यान से पकड़ें कीप योर वर्क प्लेस नीट एंड क्लीन अपने काम करने की जगह को साफ रखें टेल योर टीचर एट वंस इफ़ यू सी समथिंग डैट लुक्स अनसेफ अगर कोई चीज़ आपको गड़बड़ लगे किसी चीज़ में किसी कोई नुकसान नजर आए तो अपनी टीचर को बताएं वॉश योर हैंड्स वेल आफ्टर ईच एक्टिविटी हर एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से वॉश करें नेक्स्ट है चैप्टर की फिलिंग दी ब्लैंक्स एंड एम सी क्यूज राइट प्रॉपर टर्म वर्ड अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट स्टेटमेंट के आगे आपने प्रॉपर वर्ड लगा कर स्टेटमेंट कम्प्लीट करनी है फर्स्ट है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर मैटर के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो कौन से हैं एटम द मैटर कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम वो मैटर जो सिर्फ एटम की एक किस्म पर मुश्तमिल होता है उसको आप एलिमेंट कहते हैं द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट्स के मिक्सचर को अलग करने के प्रोसेस को डिस्टिलेशन कहते हैं दी सेपरेशन ऑफ कलर्ड केमिकल्स मिक्सचर की में किसी कंपाउंड में या किसी मिक्सचर में से कलर्ड कंपोनेंट्स को अलग करना क्रोमेटोग्राफी कहलाता है अ सॉलिड चेंजेस इन टू वेपर्स विदाउट भी कमी का लिक्वर्ड सॉलिड जो है वो वेपर्स में चेंज हो जाता है लिक्वड में चेंज नहीं होता डायरेक्ट वो वेपर्स में चेंज हो, हो जाता है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लीमेसन एंड सर्कल द लेटर ऑफ दी बेस्ट आंसर वैन एलिमेंट्स आर ज्वाइंट केमिकली इन अ कम्पाउंड दे जब केमिकली कम्पाउंड जो हैं वो आपस में मिलते हैं एलिमेंट्स कम्बा कम्बाइन करते हैं लॉस दे औरजिनल प्रॉपर्टीज कीप देर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ बिकम अ मिक्सचर बिकम एन अदर एलिमेंट वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ खो देते हैं ओरिजिनल प्रॉपर्टीज में ही रहते हैं मिक्सचर बन जाते हैं या कोई और एलिमेंट बन जाते हैं तो इसका ए आएगा लॉस देअर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ सेकेंड विच ऑफ फॉर्मिंग डज नॉट डिस्क्राइब एलिमेंट्स कौन सी जो नीचे आपको दी है स्टेटमेंट वो एलिमेंट्स की नहीं है ऑल दी पार्टिकल्स आर अलाइक कैन ज्वाइन टूगेदर टू फॉम कम्पाउंडस कैन बी ब्रोकन डाउन इंटू सिंपलर सबस्टांस हैटिकुलर प्रॉपर्टीज इसका बी आएगा कि एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड बनता है दिस इज अ कुरेक्ट स्टेटमेंट थर्ड है विच सबस्टांस इज अ कंपाउंड कार्बन कलोरीन सोडियम कलोराइड सोडियम सोडियम कलोराइड विच प्रोसेस कैन बी यूज टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन फोर का ए आएगा हाउ कैन यू सी द कलर ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट इन ब्राइट कलर्ड चॉकलेट बीन्स बाय डिस्टिलेशन बाय सब्लिमेशन बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी बाय फिल्ट्रेशन तो इसका सी आएगा बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी